आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन 4 के दौरान देश के कई राज्यों ने तमाम छूटें दे रखी हैं। वाहनों की आवाजाही सड़कों पर बढ़ी है, जिसके चलते टोल प्लाजा पर लाइन लगना शुरू हो गई है। टोल प्लाजा संचालकों ने 2 लाइन की संख्या में बढ़ोतरी की है। लॉकडाउन 4 के दौरान आवाजाही बढ़ी है, हाईवे पर वाहनों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है। इस समय हम आगरा सैया के टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जो आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा है, वहाँ पर मौजूद। आप देख सकते हैं कि जो लेन है वहाँ पर लगातार वाहन आ रहे हैं, छोटे बड़े वाहन आ रहे हैं और उनका टोल यहाँ पर काटा जा रहा है। ये तस्वीर लॉकडाउन 4 की है, जिसे देखकर लगता है कि अब सामान्य स्थिति आने वाली है। जो स्थिति पहले थी आम दिनों की तरह, वो स्थिति फिर से यहाँ पर आने वाली है। फिर से देखें इस दृश्य को कि जो लाइन है आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे टोल प्लाजा की, वहाँ पर वाहन लगातार आ रहे हैं और उनका टोल भी काटा जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? यहाँ पे जो अपनी ATC लेन है ये, तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑनलाइन पेमेंट करा रहे हैं। कैश की लाइन एक रखी है उधर, कैश की लाइन है ना, वो 1 नंबर और 10 नंबर फर्स्ट एंड लास्ट वाली कर रखी है हमने। उनको TCO को ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह की पूरी व्यवस्था की हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा कैश से बचे एक बोल रहे हैं, इसीलिए फास्टैग वाला भी बिठा रखा है, वो भी है। कि लॉकडाउन 4 के अंदर वाहनों की संख्या बढ़ गई है? हाँ जी, ट्रैफिक बढ़ रहा है अभी कुछ दिन से। कुछ तो ये प्रवासी मजदूर हैं वो निकल रहे हैं, कुछ बसेस बढ़ गई हैं और वैसे भी ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है पहले से। जो पहले लॉकडाउन 2 से और 3 में जो था वो ग्रोथ कर रहा है आपको। स्थिति सामान्य पर? हाँ जी, स्थिति सामान्य पर आती जा रही है धीमे धीमे। आप देख सकते हैं कि जो टोल प्लाजा है वो स्थिति को बताता है कि क्या कुछ स्थिति अब बन रही है। लॉकडाउन 4 के दौरान लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो बड़े वाहन हैं वो भी हैं, साथ में छोटे वाहन जो कार हैं वो भी काफ़ी मात्रा में अब दिखाई देने लगी है। अपने साथी अनुभवी के साथ आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।